बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। टुडे वी हैव अनदर सेशन ऑफ कॉफ़ी विद सीईओ। ये जो जो एक फिलॉसफी है कॉफ़ी विद सीईओ, एक भाई सीईओ क्लब पाकिस्तान, ये बेसिकली द टू क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव। नंबर वन इज सीकिंग द गाइडेंस फ्रॉम द सीईओस फॉर द यंग पीपल एंड आल्सो सीकिंग द इंस्पिरेशन, क्योंकि जो भी इस कंपनी का किसी इदारे का मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ है तो वो बेसिकली एक हमारे लिए एक रोल मॉडल है, और नई नस्ल के साथ हम इनको कनेक्ट करवाते हैं कि अवर यूथ बल्च दे कैन लर्न फ्रॉम दिस सीईओस। आज की जो हमारे साथ एक छोटी सी एक इंसाइटफुल और इंशाल्लाह मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होने जा रही है वो हमारे असद कमाल साहब हैं। असद कमाल जो हैं वो बेसिकली एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है गिट्स के नाम से, जो कि पाकिस्तानी एम्यूनिशन आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं, और ये पाकिस्तान की जो इकॉनमी में GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान आम लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन ग्लोबली ये हम जिसे कहते हैं कि फ्लैग हाई ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ द प्राइड फॉर पाकिस्तान। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर असद कमाल। असद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, फॉर योर ब्यूटीफुल ऑफिस। सर मुझे ये बताएं, असद कमाल का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, इन अ नट शेल, इन अ ब्रीफ, कहाँ से आपने, माशाल्लाह फौजी फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन आपने माशाल्लाह एक बिजनेस को अंदर ग्रेजुएशन भी किया और इतने बड़े अदारे को आप रन कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर द स्टोरी स्टार्टेड सर? सर थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आज आप यहाँ पे आए GIDS में। मेरी जर्नी जी, इट इज़ बचपन से आई वॉज फैसिनेटेड बाई डिफेंस एंड वेपनरी, तो मेरा अपना पर्सनल इंक्लेशन थी, मतलब आपका शौक है? मुझे शौक था। लोग फुटबॉल से खेलते हैं, क्रिकेट से खेलते हैं, आपके लगता है कोई एमुनेशन से खेलते हैं। तो वाले साहब जब मेरे कभी कभार ऑफिस से लाते थे ना ये जेन्स और वेपन्स की किताबें, तो मेरी सबसे फेवरेट रीडिंग होती थी उनको पढ़ना कि दुनिया में क्या वेपन्स डाय यू शू डिस्कस विद हिम, जितने फाइटर्स हैं थिंग्स हैं, तो आई हैड दिस नैक फॉर डिफेंस। देन MBA मैंने किया और तब तक मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। देन दिस जॉब वॉज एडवर्टाइज, और ये चूँकि गवर्नमेंट कंपनी थी तो इट डिडेंट एग्जैक्टली से के करना क्या है इसके अंदर, लेकिन समबडी टोल्ड मी कि आप चले जाएं और ये एक वेपन सेल्स की जॉब है। देयर इज अबाउट 400 कैंडिडेट्स, और इंटरव्यू के अंदर चूँकि पूरा पैनल था एंड आई हैड दिस आइडिया अबाउट वेपनरी, तो ऑब्वियसली आई बिकेम देयर फेवरेट एंड दे हायर्ड मी। तो वहाँ से आई ग्रू अप इन द लैडर, चूँकि एक बड़ी एक डिफरेंट सी एक इंडस्ट्री उस वक्त डेवलप हो रही थी पाकिस्तान में, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000s, जब ये डिफेंस के लिए इन्होंने पहली दफ़ा सोचा कि हमें प्रोफेशनल्स रखने हैं, कोई ऐसा डिफेंस सेल्स के प्रोफेशनल्स नहीं थे जिनको वेपन्स बेचने आते हैं। तो वहाँ से हमने शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता ये हमने लर्न किया, इंडस्ट्री ग्रो की, इंटरनेशनल वेपन्स की ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट्स, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग, फाइनेंस, किस तरह आपने सेल्स पर्सन बनना है बाय नॉट इवन बीइंग एन इंजीनियर। तो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आई रोज टू दिस प्लेस जहाँ पर मैं भी। ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा इनलाइटन कीजिए असद भाई कि GIDS करता क्या, गिट्स जो है इसकी बेसिक फिलॉसफी क्या है, ये एक्सपोर्ट करता है, क्या करता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना शेयर कीजिए लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग सर। GIDS एक आप समझ लें इट्स लाइक एक होल्डिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था कि दारा जिसकी वन विंडो ऑफ एक्सपोर्ट्स उसने पाकिस्तान की देनी थी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में दो स्ट्रीम्स चलती हैं, एक स्ट्रीम आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जिसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का आपने नाम सुना होगा, PSC कामरा है जो JF-17 बनाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं। ये जो दूसरी स्ट्रीम है जी GIDS वाली, ये जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के अंडर आती है, और हमें मैंडेट दिया गया था टू बी SPDs का। हाँ हाँ, उस पर हम उसको उस तरह नहीं करते, ठीक है। तो JS के अंडर जो इदारे जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के अंदर आती हैं, जो टेक्नोलॉजीज जिसका ओनरशिप जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स की है, उन वेपन्स को इंटरनेशनली मार्केट करना और उनको सेल करना, उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग करना, वन विंडो एक ऑपरेशन देना फ्रॉम कस्टमर के टच पॉइंट से लेकर टू द आफ्टर सेल्स। ये हमें मैंडेट दिया गया था, हमें प्रोडक्ट्स दी गई थी और कहा था कि जी अब आप द वर्ल्ड इज़ ओपन, जाएं और पाकिस्तान के वेपन्स बेचें। फ्रॉम देयर क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव एरिया है, हर किसी को तो आप नहीं सेल कर सकते जब तक वो, कंट्री वाइज क्या चैलेंजेस आते हैं, फिर आपकी अदारे के हवाले से क्या, और फिर किस किस्म की चीज़ों को आपके डूज एंड डोंट्स जो क्या क्या होते हैं? देखिए जी,
हर जिस तरह एक नॉर्मल साइकिल होती है, कोई भी काम शुरू करें तो उसका एक ज़ार एक स्वॉट एनालिसिस होता है, वो देखना पड़ता है। हम चूंकि डिफेंस पाकिस्तान में ज़्यादा गवर्नमेंट सेंट्रिक है, तो आपको ऐसे इसको लेना पड़ता है कि गवर्नमेंट की जो कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ये थोड़ी ब्यूरोक्रेसी है, आपने उसको बाईपास करना है। और किस तरह आपने बाईपास करना है कि कस्टमर की जब आपको वो एक रिक्वेस्ट फॉर कोड देता है तो उसकी क्लॉक चल पड़ती है, वो कहता है कि मुझे 24 घंटे में जवाब चाहिए। यू हैव टू बी एट दैट स्पीड वेर यू कैन रिस्पॉन्ड टू योर कस्टमर विद इन 24 आवर्स नोइंग द सिस्टम दैट यू आर इन। सो दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर प्रोफेशनल्स लाइक अस। तो आपको इंटरनल चैलेंजेस मिटिगेट करना आने चाहिए, ठीक है। फॉरेन चैलेंजेस जो हैं, जब आप दुनिया में कम्पीट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफेंस सेल्स में आती हैं। योर whom you are competing with, tier one, क्या आप जाके अमेरिका और यूरोप के साथ कंपटीशन करना चाहेंगे, चाहे अपनी कोई मिड टीयर मार्केट ढूंढेंगे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि उन मुल्कों के अपने क्या चैलेंजेस हैं, उन मुल्कों की डिफेंस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपने उनको समझना पड़ेगा कि उनको ये हथियार क्यों चाहिए, अपने डिफेंस के लिए क्या चाहिए। फिर ये कि किस तरह की पार्टनरशिप अपन में ऑफर करते हैं। हर मुल्क एक वो रिलायबल पार्टनर ढूंढता है कि जब उसके ऊपर बुरा वक्त आए तो वो दूसरा मुल्क खड़ा हो उसके पीछे, कि उसकी वेपन्स इंश्योर्ड हो सप्लाई लाइन। तो हमें एज अ कंट्री अपने डिप्लोमेटिक इंग्रेस एज एन ओईएम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम वो रिलेशनशिप्स उन मुल्कों के साथ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं जब हमको इंश्योरेंस दें हाँ कि हम आपको चीज़ कंपेरेटिव देंगे, दो कि उस टेक्नोलॉजिकल लेवल की शायद ना हो कि जो अमेरिका आपको देगा, लेकिन हम आपको ये ज़रूर गारंटी करेंगे कि व्हेन द टाइम कम्स वी विल स्टैंड बाय यू। तो दैट इज इन अ नट शेल हाउ वी अप्रोच आवर कस्टमर्स और वी ट्राई टू क्रिएट अवर ओन ट्रस्ट। यू डेवलप, हां ट्रस्ट वी ट्राई टू डेवलप जी, वो ये ट्रस्ट होता है, बाकी बिजनेस तो बात की बात होती है। तो क्या एक्सपोर्ट, कैन यू शेयर विद मी विद लिसनर्स कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ताकि ये पता चले कि पाकिस्तान में आप कमाओ पूत हैं। देखिए टू बी ऑनेस्ट ना, साइज डिफेंस का जो वॉल्यूम है अभी पाकिस्तान इंडस्ट्री का उस तरह बड़ा नहीं है, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जितनी बड़ी आपकी प्रोडक्ट होगी उतना बड़ा उसका सेल्स वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू सेल 15 फाइटर जेट्स, अचानक उसका बिलियन से भी क्रॉस कर जाएगा बिकॉज द प्रोडक्ट एक्सपेंसिव। हमारी टोटल ऑल जो सेल्स है वो तकरीबन आप कह लें कि साल की अराउंड $100 million है, विच इज़ नॉट मच। लेकिन इसमें काम की बात यह है कि जो हमारा इसमें ख़र्चा है वो वी आर ईजिली 5 times मोर प्रॉफिटेबल दैन वट एवर वी आर इन्वेस्टिंग बींग अ गवर्नमेंट कंपनी। दैट इज़ 5 times, हाँ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है। इसमें हम प्राइड लेते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट कंपनी है कि जो पाकिस्तान को कमा के दे रहा है अपने खर्चों से काफ़ी ज़्यादा, कि जितने हम पूरी दुनिया में एक्सपोज करते हैं, मार्केटिंग के खर्चे करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, वी आर अ वेरी लीन कंपनी। और तो हम उसे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं, वापस करते हैं, वापस करते हैं। और पाकिस्तान का नाम भी जब वाइल वी आर एग्जिबिटिंग वी आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, हम उसका नाम रोशन करते हैं, वी आर गिविंग अ वेरी गुड इमेज। ब्रांडिंग भी है, इमेज बिल्डिंग है, बिल्कुल कंट्री। हाँ, जब आप का एक स्टॉल है ना, तो आपके सामने बोइंग का भी स्टॉल है, आपके सामने लॉकहीड मार्टिन का भी स्टॉल है, यू आर प्लेइंग विद द बिग जायंट्स, यू इट इज अ बिग गेम। तो उस बिग गेम के अंदर यू हैव यू आर टेकिंग द फ्लैग ऑफ द कंट्री विद यू, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों से जिनको आप मिल रहे हैं। वैसे कितनी बड़ी, क्योंकि मैंने जो मेरी जो पास जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो वेपन इंडस्ट्री है, ऑयल एंड वेपन। हाँ, ऑयल एंड वेपन, ऑयल एंड वेपन है। तो क्या कितना वॉल्यूम है, ताकि रफली क्या, आई थिंक मोर देन $1 trillion जो इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ज़ाहिर है डिफेंस की वो इंडस्ट्री है कि ज़ाहिर है ये इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है कि इसे कहते हैं कि ये वॉर्स क्रिएट करती है ताकि ये सस्टेनेबिलिटी डेवलप करें। आप अंदाज़ा लगा लें कि जो F-16 फाइटर है वो late 60s में R&D में था और 70s के अंदर वो फ्लाई कर रहा था। आज दिन तक टर्की ने अभी लेटली उसके वर्जन का ऑर्डर दिया ब्लॉक 70 का। इट इज़ द सेम फाइटर, द सेम डिज़ाइन दैट वॉज डेवलप्ड इन द late 60s बाय, येट इट इज़
बींग इन यूज, बिकॉज उनकी एक नई डिफेंस रिक्वायरमेंट और वो चल रही है. तो एक एवोल्यूशन में है. जब तक इंसान जंगे लड़ता रहेगा, वेपन इंडस्ट्री डेवलप करती रहेगी. इट्स एन अनफॉर्चुनेट पार्ट कि इट इज़ अ वी कॉल इट डिफेंस बट इट गोज बोथ वेज. इट इज यूज फॉर ऑफेंस एज़ वेल. ईरान इराकी, ईरान की इराकी जंग थी, ये सारा सबको पता. मैस ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वो भी तक ही निकले निकले हाँ. और यूक्रेन और रशिया की जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें भी देखे ना कि एस्केलेट कर गया. 2-3 months हो गए, अभी तक कहीं नतीजे पर नहीं पहुंचा, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स. सर आगे चलते हैं कि आपका जो जो जी आई डी एक्स का, जीडेक्स का जो बहुत बड़ा जो एक आपका एक फेस है वो आई डी एक्स है. उसको आप कब से, क्योंकि बहुत बड़ा नाम बन गया उसका, और उसमें आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कैसे आप देखते हैं पाकिस्तान के इसको आई डी एक्स को, फिर उसके बाद दुबई में कहाँ कहाँ क्या आपकी स्ट्रेटजी होती है, कैसे आप क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से आप मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि इट्स वेरी स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग. बहुत अच्छा सवाल है जी. ये पाकिस्तान में जो एग्जीबिशन होता है जी, इट्स कॉल्ड आइडियाज़ इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार. ये 2000 से हो रहा है, एवरी 2 years ये होता है. और हम जो फर्स्ट एडिशन था तब से आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज दैट टाइम गिड्स वाज नॉट फॉर्म, तो आई वाज इन अनदर कंपनी, लेकिन आई हैव सीन इट ग्रो एंड मैच्योर. उसके अलावा जी गिड्स की जो स्ट्रेटजी है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज के एक अप्रोच शुरू में यह थी कि हम जो हमारी एक ट्रेडिशनल लेगेसी मार्केट है उसको फोकस करें और वहाँ से मेजर चंक उठाएं. लेकिन व्हाट वी थॉट इज़ के स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड लैटरली एंड ट्राई टू फ्लैग एज मैनी कंट्रीज एज पॉसिबल, लाके पता चले कि पाकिस्तान ने इस मुल्क में भी सेल की है. जब आप किसी मुल्क में सेल करेंगे, उसके आपका नाम उसकी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री में से घूमेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, लोगों को याद रहेगा कि यार पाकिस्तान भी एक मुल्क था और इसने भी हमें हथियार बेचे. ठीक है, तो अगर आप हमारा मैप देखें तो फ्रॉम पेरू टू इंडोनेशिया ऑन द दैट साइड, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, हमारी कोशिश है कि चलो यार कुछ हजार डॉलर का भी बिके लेकिन बेचो, जहाँ जहाँ बेच सकते हैं बेचो. फ्लैग राइज, ठीक है, जस्ट फ्लैग दोस कंट्रीज, लेके जाओ वहाँ पे, बी द एम्बेसडर और एक तरह पुट योर फुट इन द डोर. ठीक है, और ताकि आपको और वापस. तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान की जो डिफरेंट एम्बेसीज हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें जो आपकी वहाँ की जो वहाँ के एम्बेसिडर्स हैं, हाई कमीशन्स हैं, डिफेंस एंताशी है, वो क्या आपका रोल प्ले करते हैं आपको प्रमोट करने में, आपके इस कंपनी के दायरे को? बिल्कुल जी, डिफेंस एंताशीज जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इनफैक्ट दे आर मैंडेटेड ऑल्सो ऑफिशियली टू प्रमोट दी डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. और जब इनफैक्ट वो अपनी अपॉइंटमेंट्स पे जा रहे होते हैं तो उनको हम एक ब्रीफिंग भी देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, फिर हम उनसे इन टच रहते हैं. उनका काम होता है कि जब वो प्रेजेंटेशन जाएं, वो उधर की जो प्रोक्योरमेंट है कि वो क्या ख़रीद रहे हैं वो हमें बताएं, जो वहाँ के RFQs आता है, आरएफ रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट्स आती है, वो हमें भेजें. बल्कि जो उन मुल्कों के डिफेंस अटैचेस पाकिस्तान में बेस्ड हैं, हम उनके साथ भी उतना ही इन टच होते हैं. उनको यहाँ पर बुलाया जाता है, प्रेजेंटेशन दी जाती हैं, ताकि वो जो अपने मुल्क से रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं वो हमें इधर देते रहें. तो एम्बेसडर्स हैं, डिफेंस अटैचेस हैं, फिर हमारे थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कोई बिजनेसमैन, कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी उस मुल्क में एग्जिस्ट करती हो जिसके कॉन्टैक्ट्स हो ऊपर अच्छे लेवल पे, हमें बिजनेस ला के दे सके, हमारे लिए कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज कर सकें, दे कैन रिप्रेजेंट. इवन लॉबिंग करनी पड़ती है, लॉबिंग करनी पड़ती है, बिल्कुल लॉबिंग फर्म्स हायर करनी पड़ती हैं दूसरे मुल्कों में, ताकि आपके आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंसर होते हैं जो आपको एक अच्छे जो डील लेके देते हैं जी. और अल्टीमेटली अभी तक बड़ी डील क्या हुई, सबसे बड़ी अभी तक जो जाइडक्स ने किया जी? हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिडल ईस्ट के साथ हमारे जो हैं उनके साथ हमारी 2 बड़ी डील्स हमने साइन किए हैं फॉर वेपन्स. वो इस वक्त एग्जीक्यूशन में, माशाल्लाह दोनों की डिलीवरी. क्योंकि पाकिस्तान को बहुत डॉलर चाहिए, बहुत डॉलर, और मैं समझूं कि ये माशाल्लाह एक आम है पाकिस्तान का, ये वाला एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इतने तो हमें टेक्सटाइल में शायद ना मिले जितने हमें, तो कम अज कम बिलियन डॉलर की कोई एक्सपोर्ट ला के दें हम उसको चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जाए यार. आज के जमाने में बिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है. बिल्कुल सही, भी आप सही कह रहे हैं. मैं ये देखता हूँ जी कि अगर हम इसी पाथ पे चलें, छोटे मोटे अपनी इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स करें, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ना गवर्नमेंट सेंट्रिक डिफेंस इंडस्ट्री है,
और ऐसी है प्रोग्रेशन उसके अंदर इनकलकेट करने के लिए आपको थोड़ी दुनिया को देखना पड़ेगा कि दुनिया क्या कर रही है, और उसमें से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके इसके अंदर आपको इन्फ्यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर आप उस पे जाएं, करेक्टिव मेजर्स प्रॉपरली लें, तो 1 बिलियन इज ईजिली रीचेबल इन अबाउट 6 to 7 years, so it's not far. कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात सर। नो, नेक्स्ट पार्ट में अपना आता हूँ क्वेश्चंस का। मुझे ये बताइए कि एक सीईओ जो होते हैं आप, माशाल्लाह एक सेंसिटिव पोजीशन पे बैठे हैं बीइंग अ सीईओ, तो सीईओस के अंदर क्या कॉम्पिटेंस देखते हैं कि टू रन अ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, आइदर वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, सक्सेसफुली 3 core competence फॉर अ सीईओ? पता है, कभी मैंने इसको उस तरह एकेडमिकली तो नहीं सोचा। हर सीईओ नहीं, आप अपने अंदर देखिए, जहाँ से कंपनी दायरे को चलाने के लिए भी यंग बच्चों की चाहता हूँ, जब वो कंपनी में सीईओ बन के आए तो वो उनको पता हो ये 3 की स्किल्स हैं मेरे अंदर के नहीं। पता है, होता ही है ना कि हर एक तो सीईओ का एक हर एक का फ्लेवर डिफरेंट है। अगर आप एक कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एक डिफरेंट प्रोफाइल का सीईओ की सक्सेस स्टोरी आप देखेंगे, और हर सीईओ की सक्सेस स्टोरी ना एक तरह की नहीं होगी। मैं जिस चीज़ में बिलीव ये करता हूँ कि एक बिल्कुल लोगों के लेवल पे आके आप जिसको कहते हैं ना डिफरेंस बिटवीन सिंपथी एंड एम्पथी, फर्स्ट आपको इसके अंदर डिस्टिंग्विश करना पड़ता वा, है वा, वा, वा। एम्पथी इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फ्रॉम हिज परस्पेक्टिव। अगर वो आपके पास मसला लेकर आएगा और मैं कहूँ यार मेरी कंपनी तो ये कहती है लेकिन पॉलिसी ये है लेकिन मैं तो मेकर, दैट इज़ नॉट द इशू। जस्ट आज आप सीईओ हैं, कल को आप असिस्टेंट मैनेजर भी थे, तब आपके जो मसले थे ना उस वक्त वो अब सीईओ के लिए मसले नहीं रहे। वो उन मसलों को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो मसले क्या हैं। जस्ट गो बैक इन टाइम, गो टू हिज पोजीशन एंड थिंक वेयर इज कमिंग फ्रॉम। वाह वाह वाह, आपने मेरे दिल की बात छीनी। हाँ। मैं अक्सर कहता हूँ ये 6 और 9 का फर्क है। हाँ, अगर आप अपनी एंगल से देखेंगे वो 6 है, मेरे एंगल से देखेंगे वो 9 है। हाँ। तो अगर आप यू पुट योर सेल्फ इन टू माई शूज तो मुझे 9 नजर आएगा। सी फ्रॉम अदर्स, दैट इज एम्पथी। और कहते हैं किसी का बच्चा रो रहा हो ना, सिंपथी की डेफिनेशन और एम्पथी में फ़र्क जी, वो ऐसे एक मेटाफोरिकली स्पीकिंग कि किसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होती है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होती है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल। और ये आप किसी का दर्द महसूस करें, दैट इज एम्पथी। दिस इज लीडरशिप इज ऑल अबाउट पीपल। आपके पास अच्छी टीम नहीं है और टीम आपके लिए खड़ी नहीं होना चाहती ना, तो किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं है। इट इज़ यू आर एज गुड एज योर आर्मी, ठीक है ना, जो आपने जो आप कमांड करें। और आर्मी की आप तब तक गुडविल नहीं ले सकते जब तक आप उन्हें कंफर्ट नहीं देंगे, उनके उनको एक्सेसिबल आप नहीं होंगे। ये मतलब ये मेरी कोर उसमें चीज़ें थी। ट्रू ट्रू ट्रू। और सेकंड जो मैंने इधर आने के बाद ना गवर्नमेंट इसमें बिकॉज गवर्नमेंट उसमें जो मैंने इसमें एक चेंजेस लाई, मैंने कहा इट शुड बी अ सेल्स माइंडसेट, इट शुड नॉट बी गवर्नमेंट माइंडसेट के एक रिक्वायरमेंट आई, रिक्वायरमेंट आई उधर चली गई, फिर उधर मैंने कहा इट इज अ सेल्स माइंडसेट। आपने सेल करना, आपके पास चीज आ गई है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन ऑर्डर, और वो ऑर्डर इन अनमीनिंगफुल ईमेलों से और लेटरों से नहीं होगा। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स, डिलीवर करना। हाँ, डिलीवर करना है। वो जो एक ईमेल में जो क्रक्स वो चार है ना, वो उसको आप अगले जवाब में दे दें, डोंट वेस्ट 3 more emails ऑन हिम। सही कह रहे हैं, उसका सिर्फ बिजनेस नहीं, उसका दिल भी जीत। हाँ, यार इसने मुझे इतनी जल्दी रिप्लाई किया। तो ये छोटी छोटी चीजें करके कस्टमर सर्विस है। हाँ, कस्टमर सर्विस है, डिफेंस में टच पॉइंट्स हैं, रीचेबिलिटी आउटरीच है, फिर देन यू स्टार्ट एडिंग इन मोर थिंग्स। सो देयर सम थिंग्स जो आपको ऐसा ऐसा हर एक तरह से मैंने कहा ना सीईओ की कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड बेसिक टू द रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व होते हैं। वो अपने वो स्किल्स जो है ना, इंसान जिस तरह कुछ चीजें अपनी इवॉल्व कर लेता है ना अपने अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो हर सीईओ जिस एनवायरमेंट में सर्वाइव करता हुआ होता है वो उसके अंदर कमियां बेशियां देखते हुए अपने आप को उस तरह अपना नट जो है ना आउटर उस तरह इवॉल्व कर लेता है। आप क्या समझते हैं किसी भी दायरे के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका एसेट होता है उसके ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे आपने बताया टीम होती है, तो व्हाट इज करंट की आपकी जो क्या विजन है एचआर की डेवलपमेंट के बारे में? क्योंकि लोग मैं देख रहा हूं कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते, आप उनको ट्रेन नहीं करते, उनको ग्रूम नहीं करते, वो आपकी बाकी सारी चीज़ें इसी के साथ जुड़ी होती हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक बीइंग अ सीईओ इन द डेवलपिंग पीपल? सी, एक तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स के ऊपर जाहिर है, लाइक एवरी सीईओ मेरा फोकस है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा ना ऑन जॉब ट्रेनिंग में इनको करता हूँ। व्हेन आई गो टू एनी कंट्री आई टेक देम अलॉन्ग एंड मेक देम सिट इन अ हाई लेवल नेगोशिएशन। ओके, ये कोर स्किल मैंने इसमें दिखाया होगा आपको। हाँ. मतलब ये किसी किताब किसी कोर्स में नहीं सीखेंगे कि जब आगे से एक अनरीजनेबल कस्टमर हथियार खरीदने वाला आपको खामा खामे बैश कर रहा होगा और आपसे आपको कह रहा होगा कि तुम्हारी चीज़ महंगी है, कीमत है, तो उस वक्त आपको
कोई ये नहीं सिखाएगा कि मैंने अब इसको टेक्निकल ग्राउंड पे मारना है कि मैंने इसको किधर से मारना है और मैंने ये प्रेशर लेना किस तरह है जो मुझे ये डील क्लोज कैसे करना है। डील क्लोज और ये जो 7-8 वर्दी वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे दबा रहे हैं, मैंने सिचुएशन से निकलना कैसे है, वो सिर्फ अब तब सीखेंगे जब आप 6 उस तरह की सिचुएशन में से गुजरेंगे, हीट में से, उस हीट में से गुजरेंगे। तो मेरा काम है कि बारी बारी रिगार्डलेस ऑफ द रैंक्स इनको वो एक्सपोजर मिले, ये एक्सपोजर के साथ जो लर्निंग इनकी होगी इनको समझ आएगी कि हाँ अभी मेरे साथ ये हुआ था, अब अगले में मेरे मैंने इस तरह इसको डील किया। वेल आंसर सर। सर व्हाट इज सक्सेस टू यू, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? देखिए मैं तो होता है ना, सक्सेस इज समथिंग मेरे लिए ये है वो चीज़ जो कि रिजल्ट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए और लोगों को भी नजर आए, ठीक है, एज अ सेल, बिकॉज मैं आई एम कमिंग फ्रॉम अ मार्केटिंग सेल्स गाय, ठीक है, मैं इसलिए और उस पर नहीं बात करूँगा। मेरे अपने इदारे में चैलेंज ये है कि मैं चाहे जितने मर्जी डिप्लोमेसी और ये चीज़ें करता रहूँ, एट द एंड इट विल नॉट काउंट टिल द टाइम आई ब्रिंग इन मनी एंड इट इज नोन, इट इज नोन टू पीपल एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इसलिए हर वो चीज़ That does not lead to a business is immaterial for me. This is what I tell my team. मैंने कहा सिर्फ वो काम करो जिसमें से सेल्स आए ताकि लोगों को पता चले कि तुमने किया क्या, यू आर सक्सेसफुल एंड यू आर वर्दी ऑफ द जॉब दैट यू आर व्हाट यू डूइंग और मेजरेबल परफॉर्मेंस है, और मेजरेबल परफॉर्मेंस है। तो मेरा माय फोकस इज समथिंग दैट कैन बी टेंजिबलाइज्ड एट द एंड ऑफ द डे that you can see and people can see this is the organizational growth. Personal growth is a different thing, I'll not talk about that because here we are only focusing on the numbers, digits, numbers for sales guy, to digit motivates. If I'm a tech CEO I'll talk differently. अगर मैं कोई टेक फोन्स बना रहा होता, टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रिक कार बना रहा होता, मैं कहता जी मैं चूंकि एक मार्केटिंग सेल्स की फील्ड हेड करता हूँ इसलिए मेरा माइंडसेट लग रहा है सेल्स और मार्केटिंग आपके ब्लड में भी है, आपके अंदर से निकल रही है। लोग सेल्स को शर्माते हुए कहते हैं, सीईओ कहता है मैं तो सीईओ, सेल्स का तो मेरी टीम का काम है। नहीं नहीं, मैं आई एम द चीफ सेल्स मैन, मेरे को कहता हूँ मुझे सीईओ ना समझे, आई एम बिकॉज आई व्हेनेवर देयर इज अ कोई सेल्स की डील, अ प्रेजेंटेशन, आई एम नॉट शायर्ड ऑफ पिकिंग अप द काउंटर एंड गोइंग टू द रोस्टर माय सेल्फ, आई एम अ चीफ सेल्स मैन, ठीक है। नहीं बल्कि आज एक नया रीवर्ड कर रहा हूँ कि वो सीईओ स्टैंड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव पुराना हो गया, नया है चीफ एनर्जाइजिंग ऑफिसर। आप लोगों को एनर्जी देते हैं जी, अपने आप को भी, लोगों को जब एनर्जी आएगी तो लोग तो आपको देख के यार इतना पैशनेट है अबाउट इस प्रोडक्ट, अबाउट इस सर्विसेज। सर आखिरी दो तीन चीजें कि आपके चेहरे पे जो इस तरह की मुस्कुराहट है, इसकी क्या राज है, व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? अच्छा आप आई एम सरप्राइज के आपने इसका कॉम्प्लीमेंट का आपने कहा, एक्चुअली स्माइलिंग फेस जो होता है ना बता मुस्कुराता है वो पाकिस्तान बड़े यूज कम लोग मुस्कुराते हैं। आपको एक बात बताऊं कि जिंदगी में ना कुछ लेसन्स हैं जो मैंने लर्न किए, हर एक अल्लाह ताला ना हर एक को अपनी जिंदगी की हैप्पीनेस और सोरस को एक कोटा देता है। कामयाब बंदा वो होता है जो कि हमेशा थैंकफुल और शुक्र गुजार उस कोटे पे सेटिस्फाई और ये कहता है कि इट कुड हैव बीन वर्स देन दिस, हो सकता था, ठीक है, और दुनिया से बहुत बुरे हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करें जब आप अपनी एक अच्छी गाड़ी में बैठे हैं, अपनी हेल्दी फैमिली को देखें, शुक्र अदा करें कि दिस कुड हैव बीन वर्स और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी पासिंग डे दिस इज गोइंग, मैं जिस हालत में हूँ अल्लाह का शुक्र, एंड दिस विल ऑलवेज मेक यू वेरी कम्फर्टेबल। इसके ऊपर मैं सर इतनी ट्रेनिंग्स कराता हूँ, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ये बहुत मिसिंग है, शुक्रगुजारी होना, शुक्रगुजार होना चाहिए जो ना, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कहीं मिसिंग है हमारे जो लाइफ से। सर आखिरी दो दिन छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग मुश्किल फैसला आज तक क्या किया असद आपने, डिफिकल्ट टेस्टिंग टाइम्स पता चलता है उस वक्त जब बंदा फैसले करता है। सर बात यह है ना कि मुश्किल फैसले हमारे इस जॉब में इस तरह होते हैं ना कि जब आप एक प्राइवेट सीईओ होते हैं ना तो आप कहते हैं कि यार ये मैं फैसला कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा फाइनेंशियल, ठीक है, डूब जाएंगे पैसे सब कुछ हो जाएगा। मेरी पोजीशन में जहाँ पे गवर्नमेंट की रेपुटेशन हो, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेक पे हो, तो फिर कोई भी मुश्किल फैसला जो मैंने लेना है वो मैंने लेना है, फिर अगर कोई चॉप ऑफ होगा तो फिर वो मैं होऊंगा, ठीक है। तो आपके लिए इस तरह मुश्किल होता है कि फिर आपने उस गवर्नमेंट में फिर सारे पीछे हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि अगर आपने करना है ना तो फिर आपने स्टेक लेना है। फॉर एग्जांपल दिस समथिंग जिसकी अभी फॉर एग्जांपल आपको कोई पेमेंट्स नहीं मिली, लेकिन इफ़ यू डोंट सेंड हिम द थिंग देन यू लूज द कस्टमर, बट इफ ही डजंट पे यू अगेन यू लूज योर जॉब। बड़ी बड़ी प्यारी बात, ठीक है। तो अब आपने एक रिस्क लेना है, आपने सोचना है, ये एक तरफ आप हैं कंपनी नहीं आप हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कंपनी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट डिलीवरिंग द कंपनी विल लूज अ कस्टमर।
ठीक है. सो दैट टाइम्स आप ऐसी चीजों पर वी आर टॉकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिस्क. बड़ी बात, दे आर नॉट स्मॉल रिस्क जो एक आपके स्ट्रोक ऑफ द पेन पे चल रहे होते हैं. अच्छा हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बुरा हो जाए तो फिर बहुत मुसीबत होगी बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए भी होगी, हो सकता है जुनैद के लिए भी होगी. ठीक है, फिर मैं इसका भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, फिर मैं इसके घर right, फिर मैं इसके घर वालों का भी रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर से कुछ हुआ तो. बड़ी सिंपल बात है, एंड यू आर राइट सर. हाँ सर, आखिर में लोग बताइएगा कि जो स्ट्रेस होता है ये आपकी जॉब के अंदर जो सीईओ की खासकर पोजीशन पे बहुत स्ट्रेस होता है, हाउ डू यू मैनेज एंड कोपिंग स्ट्रेटजी ऑफ असद कमाल मैनेजिंग स्ट्रेस? सर एक तो स्पोर्ट्स और दूसरा नमाज, दो चीज़ें हैं. आप अल्लाह ताला से करीब रहें, ठीक है, अल्लाह ताला को याद करते रहें, नमाज तस्बीह करते रहें, फेथ रखें, फेथ आपको काफ़ी काम रखें, निकल आता है बंदा, हाँ निकल आता है. दूसरी चीज़ ये कि आपकी फिर एक रूह की रिक्वायरमेंट है और एक जिस्म की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों को आपको बैलेंस करना है. रूह के लिए आपको अल्लाह ताला के पास जाना है, जिस्म के लिए आपको जिम जाना है. ठीक है सर, आपकी नेचर ऑफ जॉब में ट्रैवल भी है, आई होप आप करते होंगे, इतने कंट्रीज में भी जाना है, मार्केटिंग कोई एग्जीबिशन चल रहा है, तो डू यू जस्टिफाई योर वर्क लाइफ बैलेंस? सर हाँ, जस्टिफाई घर वाले होते हैं हमारी, एक एक अगर बिजनेस आ जाता है तो 15-15 दिन की हमारी उधर आता है, गैप आ जाता है. लेकिन अभी ये कि अब तो घर वालों को आदत हो गई है, यूज्ड टू दिस, कि जब इस तरह होता है तो बस फिर चले जाते हैं. हम तो कहते हैं जो हमारे फौजी भाई हैं इनकी हमसे ज्यादा मुश्किल होती है, रूटीन होती है. ये बेचारे जो हैं वो बॉर्डर ऐसे ऐसे एरियाज पे रहते हैं, हमारी तो कुछ भी नहीं है इनके मुकाबले. सर गुस्सा आता है, कैसे काबू करते हैं? सर गुस्सा बिल्कुल आता है, पहले बहुत ज़्यादा आता था जब मैं उसमें रैंक पे था, जो कि जब आपको लगे ना कि अनफेयर अनरीजनेबल तो बंदा हो जाता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू लर्न हर चीज़ के आखिर में. आप कहते हैं कि जब आपको बहुत आ जाए ना कि इस जब ट्रिगर दबाने लगे तो कहते हैं कि टेक सम टाइम आउट. ट्रिगर तो बाद में भी दब जाएगा ना, ट्रिगर दबाने में तो 2 सेकंड लगते हैं, घंटे बाद दबा लेते हैं. ठीक है, अभी अगर कुछ करने लगे हैं तो चलो ये फाइल ना थोड़ी देर इधर रख लेते हैं, चाय से पीते हैं, तो घंटे बाद फिर आ जाएंगे फाइल. सही. ठीक है, तो ये इंसान मतलब सीख जाता है इंसान के करके कि थोड़ा उसको, नथिंग इज एंड ऑफ द वर्ल्ड. आपने अपने आप को खुद काम करना है कि अपने आप को थोड़ा सब्र दे दो, क्योंकि अगर आपने फायर कर दिया गुस्से में किसी को कह दिया वो तो फिर वापस नहीं आएगा. हाँ बंदा बाद में भी सकता है. What is the message of optimism for the young people of our, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इतनी joblessness है और hopelessness है, तो कैसे उम्मीद की कोई? जी सर, सर मेरे लिए ख्याल में ना हमेशा पाकिस्तान, मैं भी अपना भी अगर देखूँ ना बचपन से अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ हर इंसान को कोई ना कोई एक स्किल सेट उसके अंदर ना DNA में कोड कर दिया. और अगर ये ना होता तो सोसाइटी जिस तरह ग्रो ना होती, किसी के अंदर नेचुरली अल्लाह ताला ने मैथमेटिकल स्किल्स डाले होंगे कि वो एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में जाए. कोई अल्लाह ताला ने बंदा वैसी फिजिकली स्ट्रांग बनाया होगा, उसको अल्लाह ताला ने एक और मकसद के लिए बनाया है. ठीक है, जितना जल्दी आप अपने DNA को डिकोड करके ये समझ लें कि आपके अंदर नेचुरली वो खसूसियत अल्लाह ताला ने एलिबेट की है, और आप अपने आप को उस ऑक्यूपेशन से जोड़ लें, आप क्रूज करेंगे उस ऑक्यूपेशन में, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे मुल्क से बाहर हो. हाँ, होता अक्सर ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपको कैपेबिलिटी दी होती है हालात की वजह से, मुल्क की वजह से, आप उससे बिल्कुल एक डिफरेंट काम कर रहे होते हैं. ठीक है, और आप मेंटली भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आपको मज़ा भी नहीं आ रहा होता. अगर आप उसको करेंगे, मैं कह रहा हूँ आप अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन जाएंगे अगर आप उसके करीब होंगे, आप अच्छी नौकरी भी करेंगे, वो आपको खुद ही राइड करेंगे और आप खुद ही पहुँचेंगे. ये मेरा एक बिलीफ है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें ना तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन है अपनी जगह. हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई MBA नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता. सर थैंक यू वेरी मच. सर इज रियली लवली कन्वर्सेशन. नाउ वी जस्ट रैप अप द कन्वर्सेशन में जो की वर्ड्स मैं आई एम द टेक अवे फ्रॉम दिस मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. नंबर वन कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शुक्रगुजारी, कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम नाशुक्रे होते हैं, और अल्लाह ताला ने अगर हम दाएं बाएं ऊपर नीचे देखें तो पता चलेगा वी आर ब्लेस्ड, रियली वी आर ब्लेस्ड. सेकेंड हमारी जो एक जो इनसे चीज़ सीखी है वो पेशेंस, सब्र, क्योंकि सब्र से और नमाज से काम लो. ये इतनी बड़ी दुआ है, कहते हैं कि सब्र और नमाज, और तीसरी इन्होंने ऐड कर दी है स्पोर्ट्स, तो जिम भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो तीनों चीज़ों से आपको, ताकि वो आपका जो लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है वो रहे. और लास्ट में इनकी जो एक आखिरी नुक्ता था वो ये था कि एम्पथी,
कि जब भी आप अपने साथ काम करने वालों के साथ सिंपथी ना करें, एम्पथी करें, पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर, ताकि किसी का दर्द मिल सके तो ले उदार, जिंदगी इसी का नाम है। इजाज निसार को इजाज़त दें, सी ओ टूडे पे भी, किताब में भी और आने वाले अपकमिंग एडिशन में भी इसको देखिएगा और अपनी कमेंट्स दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और असद कमाल इज रियली, मतलब मैं इनको कहूँगा कमाल के इंसान है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।